देश भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण अब किसानों की फसलें खराब होने लगी हैं। मामला है मकसूदनगढ़ का। यहां कई गांवों के किसानों की तेज ठंड के कारण फसलें खराब हो गई हैं। किसान अपनी खराब हुई फसलों को लेकर मकसूदनगढ़ तहसील पहुंचे और अधिकारी को आवेदन देकर अवगत कराया, जिसमें कई किसान जो हाथों में ठंड के कारण खराब हुई फसल को अधिकारियों के बताने लाए थे, वो फसलों को बाद में गायों को खिलाने के लिए मजबूर हो गए और हाथों में ली हुई सारी फसलों को गायों को खिला दिया। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की फसलें किस कदर ठंड के कारण खराब हुई होंगी, जो अभी भी किसी काम की नहीं बची हैं। उधर आनन फानन में प्रशासन ने फसलें खराब हुई हैं उन गांवों का सर्वे करने के लिए टीमें नियुक्त कर दी हैं, जो कि गांव-गांव जाकर खराब फसलों का सर्वे करेंगी। साथ ही अधिकारियों को सर्वे रिपोर्ट भी भेजेंगी। इसके बाद सर्वे के आधार पर किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। अपन ने यहाँ पे टीमें गठित कर दी हैं, सर्वे टीम बना दी है पटवारी और ग्राम सचिव को मिला के, और साथ में इनके साथ में ग्राम सेवक तो रहेंगे और कृषि विस्तार अधिकारी भी रहेंगे हर क्षेत्र में, और ग्राम वार पटवारी नवीन पटवारियों की भी टीम बनाई है जो सर्वे करके अपने को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मकसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट।